हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी करण मसाला से और आज मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड से जुड़ी एक ताज़ा खबर। कियारा आडवाणी का हाल ही में हुआ फोटोशूट वायरल। फोटोशूट मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने किया, जिसमें कियारा एक बड़े पत्ते के साथ पोज देते हुए नजर आई। बहुत से फैंस ने इस फोटोशूट के लिए तारीफ भी की तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। किसी को यह तस्वीर सेक्सी लग रही है तो कई लोगों को कबीर सिंह का नाम लेकर प्रीति का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, इस फोटो को देखकर लोग डब्बू का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कैलेंडर फोटोशूट के लिए कई स्टार्स ने फोटोशूट कराया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कियारा को लेकर। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं। किसी मीम्स में वो कपड़ों में दिख रही है तो कई में उन्हें कबीर सिंह से जोड़ दिया गया है। कियारा ने 2014 में फिल्म फुगली से डेब्यू किया था। कियारा को हाल ही में करण जौहर की फिल्म गुड न्यूज के साथ साथ एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज में देखा गया था। इससे पहले कियारा ने ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह जैसी फिल्म में अपने काम से लोगों में पहचान बढ़ाई। हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म दोषी के लिए कियारा का ट्रेलर बुधवार को जारी किया गया। इसके साथ ही अपने अगले फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी, इसका रिलीज होने का निर्धारित समय ईद 2020 में रखा गया है। इससे लोगों ने कियारा के सितारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन इस फोटोशूट के बाद मानो कियारा का काफी मजाक बन रहा है। इससे पहले कियारा एक मैगी ड्रेस फोटोशूट पर भी ट्रोल हो चुकी हैं, जिसमें वह पीले रंग की ड्रेस में थी। फोटो में कियारा बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनकी ड्रेस को देखकर यूजर उनको मैगी कहकर सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे। फैंस का मैगी कहकर बुलाए जाने के बाद कियारा ने जवाब देते हुए एक मजेदार ट्वीट किया। दरअसल कियारा ने न्यूज साइट लेटेस्टली की एक खबर के रिप्लाई करते हुए ट्वीट कर लिखा था कि वह 2 मिनट में रेडी हुई हैं। कियारा ने इस कमेंट को बड़े ही फनी अंदाज में ट्वीट किया था। पीले रंग की लंबी फैदरी ऑफ शोल्डर ड्रेस में कियारा काफी अच्छी लग रही थी। अब देखते हैं कि इस फोटोशूट पर उनका क्या मजेदार जवाब रहेगा। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए करंट मसाला।